कि कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह ने, अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। पॉलिटिक्स में इसमें नया क्या है? अमित शाह ने कभी कहा ही नहीं था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बीजेपी में बंद हो गया है। जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ था। ये दावा जेडीयू के नेता कर रहे हैं, वो भी तब कर रहे हैं जब बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने के चर्चे तेज हैं। महागठबंधन में एक तरफ घमासान मचा हुआ है, दूसरे तरफ यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए अब अमित शाह ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि दरवाजा खुला है, सहयोगी विचार करें, प्रस्ताव आएगा तो हम भी विचार करेंगे। अमित शाह ने साफ कर दिया कि प्रस्ताव हम जब आएगा तो विचार करेंगे, दरवाजा बंद नहीं था, दरवाजा खुल गया। लेकिन जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं की चर्चा करें उसमें अशोक चौधरी आते हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि अमित शाह ने कभी कहा ही नहीं था कि दरवाजा बंद है, यानी दरवाजा खुला है। अशोक चौधरी का यह बयान कई मायनों में अहम हो जाता है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान और अपने बातों को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए कहा कि हमें पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस अपने गठबंधन के अलावा दूसरे दलों से कोई मतलब नहीं है, हम अपने गठबंधन के साथ ठीक हैं, हमारी बातें हो रही है, जल्दी सीटों पर बात बन जाएगी, देर हो रही है, ये हम पहले भी कहते आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं। लेकिन अशोक चौधरी के इस बयान में कई मैसेज हैं। पहला, जब अमित शाह ने कहा कि उनके पुराने सहयोगी अगर प्रस्ताव देते हैं तो पार्टी विचार करेगी, पुराने सहयोगी में नीतीश कुमार आते हैं और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के अंदर जो अंतर्द्वंद बचा हुआ है, बीजेपी के अंदर जो कसमकस है वो दिखाई पड़ रही थी, और इन तब सबके बीच नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर अमित शाह ने एक जगह कहा कि जो हमारे पुराने सहयोगी हैं वो अगर विचार करते हैं, प्रस्ताव आगे बढ़ाते हैं तो विचार हम कर सकते हैं। अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि प्रस्ताव आना कोई नई बात नहीं है, प्रस्ताव लोग देते रहते हैं, लेकिन हम प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं, दरवाजा नहीं बंद है, प्रस्ताव हम नहीं दे रहे हैं। दोनों बातें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि प्रस्ताव हम नहीं दे रहे हैं, दरवाजा कभी बंद ही नहीं था। यानी जो संशय चल रही थी नीतीश कुमार को लेकर, बीजेपी में जाने को लेकर, उन बातों को एक तरीके से बल मिलते हुए दिख रहा है। भले ही राजद के नेता सफाई दे रहे हो, जेडीयू के नेता भी अब तक सफाई देने के मूड में ही है, लेकिन अंदर की कुछ बातें और वर्तमान की जो बातें हैं, जो बीजेपी की बातें हैं, जो जेडीयू के नेता सोच रहे हैं, वो बातें कई सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या सच में ना दरवाजा उधर बंद है और ना इधर प्रस्ताव दिया गया है। तो फिर इतनी हलचल सियासत में ये नेता क्यों मचाए हुए हैं? सुनिए अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। हो जाए जल्द से जल्द फिक्स सेटिंग हो जाएगा, अभी तक हो नहीं पाया। हो जाएगा, हो जाएगा। तो सब तीर कमान आप लोग हम ही लोग पर चलाते हैं, कुछ उधर तो चलाइए, उधर भी ढेर लोग है लाइन्स में, उधर भी पूछपाछ कीजिए, एक तरफा चलाइएगा तो वो तो लगता है कि फिर एजेंडे पर आप लोग हैं। अगर उधर से भी ये सब प्रश्न करिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी जाके कि भाई आप लोगों का कब हो रहा है, देर नहीं हो रहा है, तो लोग कुछ बोलेगा, हम ही लोग से पूछते हैं। लेकिन देरी की बात तो जेडीयू की तरफ से की जा रही थी। हाँ, हम लोग अभी भी मानते हैं देरी हो गई है, लेकिन काम खराब नहीं हुआ है, काम खराब होगा तब ना नुकसान होगा, हो जाएगा। नहीं, आप लोग कहते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए, लालू जी का माननीय नेता हमेशा कहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जिससे कि हम फील्ड में जल्द से जल्द उतरें, हम लोगों के जो सीटें हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाए, हमारे जो वर्कर हैं वो फील्ड में उतर जाएं, क्योंकि लड़ाई जो है कमज़ोर लड़ाई नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और राम मंदिर को लेकर के, जिस तरह से भगवान राम को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो उसकी ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। और चुनाव में तो आप जितने सजग और सतर्क रहते हैं और जितना आपका चुनाव लड़ने का जो धारदार पैमाना होता है उतना अच्छा होता है, इसीलिए नेता का आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द हो जाए।
ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश को लेकर जो एनडीए वापसी में खुलकर बयान, इस पर चर्चा हो रही है, दरवाजा जो है एनडीए में जाएंगे, ये हमको नहीं जानकारी अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग विचार करें। तो हमसे आप पूछिए तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में इसमें नया क्या है? नहीं, पहले बोलते रहे कि दरवाजा बंद है, इसलिए अब नया। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है अमित शाह ने, अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना, हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। हम लोगों का कहाँ कोई प्रस्ताव गया है। इंडिया एनडीए गठबंधन के घटक दल दिल्ली में मिलते हैं, क्या लग रहा है? अभी तो हम क्या मतलब है उस घर से, हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हम उसमें क्या ताक झाँक करने? आप जाते हैं अपने पड़ोसी के घर में ताक झाँक करने, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम ताक झाँक करने जाएं? हम अपना घर में बैठे हैं, हम अपने घर को सुदृढ़ करेंगे, हम दूसरे घर में क्या तरकारी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, हमको उससे क्या मतलब है? अब ना हम लोग को, हम अपनी पूंजी पर हम लोग खड़े हैं, दूसरा का क्या हो रहा नहीं हो रहा उस पर नहीं। हम नीतीश कुमार के कार है, जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, उसको लेके जाएंगे। जिस तरह से इन 18 वर्षों में जाति अनुमात कम किया, जिन 18 वर्षों में धार्मिक अनुमात कम किया, जिस 18 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,66,000 करोड़ किया, जो कमिटमेंट उन्होंने 7 निश्चय 2 में किया कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर काम हमारा हो रहा, हम उसको लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है, मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे, हमारे ब्रांड नीतीश कुमार हैं, हम उनको लेके जाएंगे, दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब हमको है? भाई वीरेंद्र बोलते हैं कि लालू जी के कृपा से ही मुख्यमंत्री बने। भाई वीरेंद्र जो है उन्होंने कहा कि लालू जी के कृपा से सीएम बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस प्रदेश में पथ प्रदर्शक हैं, जो हमारे साथ अलायंस में आता है। भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा 7 निश्चय 1 था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम 7 निश्चय 2 लेकर के आए और आरजेडी भी 7 निश्चय 2 पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच, जो मेरा कमिटमेंट और मेरे नेता का कमिटमेंट है, वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है, ये कड़वा सच है। घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी यह मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।